नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। महुआ विधानसभा क्षेत्र के विशुनपुर हीराराम उर्फ पहाड़पुर पंचायत के कई वार्डों में वाया नदी में आई पानी से कई वार्डों के दर्जनों घरों में नदी का पानी घुस जाने से बाढ़ सा नजारा बन गया है, जिस कारण ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। वहीं सैकड़ों एकड़ में लगी धान और सब्जी की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे लाखों रुपये की क्षति पहुंची है। इस स्थिति को देखते हुए महुआ प्रखंड के विष्णुपुर हीराराम उर्फ पहाड़पुर पंचायत के गरजौल गांव के वार्ड नंबर सात और गोरीगामा के वार्ड नंबर 12 के करीब 100 से ज्यादा बाढ़ के पानी से ग्रसित लोगों के बीच चूरा, आटा, मोमबत्ती, गुड़, माचिस आदि सामग्रियों का वितरण राहत स्वरूप वितरण किया। वहीं राहत सामग्री वितरण से पूर्व उन्होंने जल जमाव क्षेत्रों में जाकर पानी में घूम घूम कर स्थिति का भी जायजा लिया। राहत सामग्री वितरण करते हुए डॉ आशमा ने कहा कि मानव होने के नाते आमजनों को सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य ही मनुष्य की सुख दुख को समझ है। इस दौरान वार्ड पार्षद तौकीर सैफी, पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उमाशंकर कुमार, समिति सदस्य शंभू रजक, वार्ड 12 के वार्ड सदस्य संजय कुमार, संगीता देवी, रामनाथ सिंह राजा, धीरज कुमार, प्रमोद झा, संतोष झा, इम्तियाज, राजकमल जायसवाल, कुमार गौरव, निखिल कुमार, जदयू के पंचायत अध्यक्ष दशरथ सिंह आदि के साथ साथ अनेकों लोग इस मौके पर उपस्थित थे। महुआ विधानसभा क्षेत्र गोरीगम्मा पंचायत में आ चुका हूँ। यहाँ के ग्रामीण फुलवरिया पंचायत यहाँ के ग्रामीण जितने भी हैं, ये ग्रामीण के लोग बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। यहाँ क्या क्या मुहैया कराई गई है राहत के लिए, हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं। इससे पहले हम आप लोगों से पूछे, यहाँ पे कोई नेता या फिर कोई बड़े पदाधिकारी आए हैं आपके राहत सामग्री के लिए, कुछ क्या आश्वासन दिए हैं कुछ बताएंगे? हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग 4-6-7 दिन से हम लोग खूब पानी में बह रहा है, कोई लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग अपने से अपना अथी कर रहे हैं, फिर अच्छे अच्छे लोग आते हैं, रोड से आते हैं, चले जाते हैं। हम लोग का कोई हाल चाल पूछता नहीं। प्रशासन की तरफ से क्या मुहैया कराया जा रहा है? प्रशासन के कोई प्रशासन नहीं, कोई नहीं आया है। हम लोग बड़े लोग से आते हैं मिल लेते हैं, हम लोग से डूबे लोग से नहीं मिलते हैं, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हम लोग के पास आ रहे हैं? प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया? चल के देख लीजिए कितना भरा हुआ है। यहाँ के लोग बिल्कुल पता नहीं कैसे सिरपाल टांग के रह रहे हैं। कहीं से अपना इंतजाम करके और डायरेक्ट हमको फोन किए, तो फोन करके यहाँ के जो तकलीफ में थे, यहाँ के अपने परेशानी से अवगत कराए और बताया कि मैडम ऐसा ऐसा है, और अभी तक हम लोग को कोई राहत नहीं दिया गया है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बाल बच्चे सब घर का घर बाढ़ में पीड़ित हम लोग सारे लोग हो गए हैं और लोग घर छोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह, सुरक्षित जगह पे। तो मैं यहाँ पर कल ही आई और कल शाम की बात है, 4 बजे मैं आई, इनसे बात की। उसके बाद बात करने के बाद यहाँ के सिचुएशन से अवगत DVM साहब को कराया गया और यहाँ के BDO साहब भी कल भ्रमण में आए और वहाँ बहुत सारे अवगत इस चीज़ से हुए और बोले, आश्वासन दिए कि मदद करेंगे। और बेसिकली जो हम हैं अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर आए यहाँ पर, इन लोग के तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है, सब लोग बाढ़ से ग्रसित है। जो भी मेरे से हो सकता है इनके तकलीफ में हम इनके साथ हैं, राहत सामग्री के तौर पे इनके साथ हम आए हैं। आज दोबारा मेरा आज सुबह इनका दौरा हुआ यहाँ का और हम इनके साथ हैं, दुख सुख में हैं और हम लोग लग के इस बाढ़ के कठिन परिस्थिति से निकलने का कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे। कुछ ग्रामीणों अभी खाने के तौर पे तो हम लोग यही बताया जा रहा है, जैसे प्रशासन के तरफ से कल बताया गया कि स्कूल है, बगल के स्कूल में वहाँ पर इन लोग वहाँ शिफ्ट अगर हो जाते हैं तो खाना सुबह दोपहर और रात का खाना का व्यवस्था वहाँ सरकार के द्वारा इंतजाम किया जाएगा। अभी हम लोग राहत सामग्री के तौर पे जैसे हो सकता है लाइट की भी ये दिक्कत हो तो कैंडल, थोड़ा साबुन का व्यवस्था करके थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन, क्योंकि ये कोरोना काल भी चल रहा है जी। और सूखा कुछ ड्राई में बिस्किट ये सब भी हम लोग लेकर आए हैं और चूड़ा वोड़ा के, मतलब कि जो थोड़ा राहत इनको मिल सके, राहत मिल सके।
सरकार की तरफ से जैसे अभी तक कल मैं भी वहाँ बात की, डीएम साहिबा बताई, सीओ साहब से बात कर रही थी, जो भी इनका जो मुआवजा होता है, जैसे फसल भी डूब गया है तो कल वीडियो साहब मेरे सामने ही बताए वो कि ये लोग जो भी इफेक्टेड लोग हैं, यहाँ के जो मुखिया है, जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया और पंचायत समिति जो भी यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो है, ये लोग मिलकर यहाँ पर लिखेंगे जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया है, जो लोग अफेक्टेड है, इनका लिस्ट बनेगा और वहाँ जाएंगे और उनको जो भी उचित मुआवजा होगा उनको जरूर मिलेगा।